हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम सर सभी को। तो कैसे हो दोस्तों आप? स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे ब्लॉग में। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही शानदार। इसके स्टार है तो गाइस, ना नीचे ना ऊपर। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, ऊपर चलते हैं एक बार। हाँ, क्या कर रहे हो? किस? अच्छा, हमारा तुम्हारी मम्मा है। अच्छा अच्छा, मम्मी पापा खेल लो, खेलो खेलो खेलो, चिप चोर ले लो। ठीक है। क्या क्या क्या? हैप्पी टू यू। ये गाइस, वो जो गिफ्ट रखा है ना सामने रेड में, वो मांग रही है। ये तो हैप्पी टू यू बेटा, हैप्पी टू यू क्या? हाँ बेटा, उसमें खाने की चीज नहीं है। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं बाला किला। एक्चुअल में साली आई हुई है तो उसको घुमाने लेने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। और एक्चुअल हमने भी ऊपर से देखा नहीं था जब हम गए थे लास्ट टाइम, तो काम चल रहा था। आज देखते हैं, शायद काम खत्म हो गया हो तो आपको भी दिखाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। चलिए गाइज चलते हैं। तो चलिए गाइज चलते हैं फिर। हाँ चलो। स्टार्ट कर मुझे फोन पकड़ा है, मेरे फोन मैं हाथ में चप तो गाइज अंदर तो जाने नहीं दे रहे, बोल रहे शनिवार और मंगलवार को बाइक से जा सकते हैं, वरना फोर व्हीलर से कभी भी जा सकते हो। तो अभी अपन चलते हैं बायोडायवर्सिटी पार्क, अंदर की तरफ घूम के आते हैं इसको। चलो 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 चलो, कम ऑन, गो गो, चलो आप ले 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 ले, चलो चलो चलो, आराम से चलो चलो। आगे बस पहुंच गए जंगल बुक में। आ गए, आ जा टर्बो, आ जा। देख शेर खान देख, इधर से कूद मत जा, इधर चल, इधर से आ जा। तो ये है बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट, जिसे प्रताप वन भी बोला जाता है, और 418 लाख में बना है अकॉर्डिंग टू जैसे लिखा है यहाँ पे। तो चलिए गए 418 लाख का देखते हैं। इधर ना बहुत सारे पेड़ हैं एक्चुअल में इसके अंदर। तो प्रताप वन बेसिकली नीम, पीपल, जामुन, गुलमोहर, बैड, पापड़ी, इन सब के पेड़ हैं। चलने वाले अभी डेंस वुड जोन स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग जो जोन है। दिले एंजल देख, तेरा शेर खान आ गया, योर शेर खान। देख ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। आप वाले लेगी, देख कैसी हालत। चलो, ये नेचुरल ट्रेल है जिसकी टोटल लेंथ 1.2 किलोमीटर, यानी ये 101.2 किलोमीटर लंबा है भाई, बहुत लंबा है भाई। यहाँ पे ये ओपन एयर जिम लगी हुई है यहाँ पर, जो एक्चुअल में आजकल हर जगह पाई जाती है। तो बेसिकली थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये आ जाता है योगा जोन। ये योगा जोन है पूरा जो बना हुआ वहाँ पर, बिल्कुल एक छतरी बनाई हुई, ऊपर देखो कितना बड़ा पहाड़ काटा हुआ है। बहुत अच्छा शानदार तैयार किया गया योगा जोन, ये तो बहुत ही औसम है। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। तो योगा जोन में देखो यहाँ पर है ना, एक्चुअल में ये पानी से भरा रहता है, ठंड है, सर्दियाँ हैं, इसलिए इसमें है नहीं इतना पानी। तो हम नीचे चले आ जाए। तो देखिए गाइस, ये छोटी सी झोंपड़ी जिसमें बिजली की फिटिंग दे रखी है अंदर, ये सामने भी योगा जोन के लिए सीढ़ियाँ, नीचे उतर के भी आप योगा कर सकते हो, बहुत शांति मिलती है। तो गाइस ये आ गया सेल्फी जोन। एक्चुअल में सेल्फी जोन इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर ट्री हाउस है, लेकिन ये ट्री हाउस किसी वजह से गिर गया था तो नीचे आ गया। तो थोड़ा सा और आगे चलते हुए यहाँ से आ जाता है डिवाइडेशन, इधर चलेंगे अपन। ये तो सीधा रास्ता जा रहा है, इधर चलेंगे अंदर होते हुए। तो गाइस इस रोड पे मिलेंगे हमें हर्बल प्लांट, आमला, प्लास, खेजरी, खैर, चलिए सारे देखते हैं अपन। अभी सारे देखने वाले, ये जो एरिया लग रहा है ना, ये सारे पेड़ पौधे लग रहे हैं इसमें। गाइस सीता सोक का बोर्ड लगा हुआ है पर यहाँ तो सारा खोद दिया गया है, शायद दोबारा से पेड़ लगेंगे, आई थिंक ऐसा ही कुछ। तो हर्बल प्लांट तो ख़त्म हो गया है, वापस ऐसी झोपड़ी बहुत सारी यहाँ पर, एक उधर भी बन रही है। तो अभी चलते हैं उधर नर्सरी, पता नहीं उधर ग्रीन जोन भी है शायद, ग्रीन हाउस। छोटा सा ओवरब्रिज बनाया गया है, कितना क्यूट सा लग रहा है। बीच में ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे एक्चुअल पानी रहता है पर अभी सर्दी की वजह से शायद पानी छोड़ नहीं रहे, और बारिश होती तो ऑटोमेटिक इसमें ट्रेल में पूरा पानी आ जाता है, अच्छा लगता है काफ़ी। तो अभी चलते हैं अपन सामने। एंजल चलो चलो सामने, ग्रीन हाउस है, आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पर बहुत दूर आके ये पुल रहा, और यहाँ पर इस तरीके से पानी पीने का, यह चलो फुल भर जाता है बारिश के दिनों में। आ जा अरे पानी इसमें से नहीं पिएंगे, आ जा
अच्छा सो गाइस यहाँ पे नोटिस कर रखा है कि बर्ड कंजर्वेशन जोन है, अमरूद जामुन अनाना आम के पेड़ हैं इधर, तो इसकी वजह से बर्ड कंजर्वेशन जोन बोला जाता है क्योंकि बर्ड्स ये ज़्यादा खाते हैं। सो गाइस ये आज आ गया है हमारा ग्रीन हाउस जोन। देखो गाइस ये कैसे फॉलो कर रहे हैं। आ जा आ जा आ जा चुन्नू पुन्नू आ जा। तो गाइस घूम लिए, कहाँ जाना था कहाँ आ गए, अब कहाँ जाएंगे, तो अभी घर जाएंगे फिलहाल। तो चलिए घर चलते हैं, यहाँ सैटरडे को आएंगे क्योंकि सैटरडे को अलग है, तो हम डेफिनेटली सैटरडे को आएंगे। तो बात चल रही है, हमारा नानी से बात कर रही है। हमारा यहाँ यहाँ तू यहाँ एक बार। ओहो ये कौन सा पोछा। ओहो गाइस देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसने क्या किया। देख देखो देखो दो बिंदी लगा रखी, देख दो बिंदी लगा रखी, कहाँ लगा रखी। ये शैतान सुधरेगी नहीं, और एक ये शैतान क्या कर रही है। हाँ हाँ इसमें बाबा जी की घंटी है इसमें। हाँ बाबा जी की घंटी है इसमें। अब ये सुंदर पुंदर फोन में लग गया, ऐसा लगता है पूछो ही मत। हमारा फोन दे दे, नहीं फोन दे दे, चल देख ले यार कोई ना। हे गाइस तो अब आ गया एंड करने का टाइम, अभी शाम के लगभग। अभी हमारा तो इसमें लग रही है, तो ये तो बोलेगी नहीं, सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो। एंजल को चीज़ दिलाने लगे बाहर क्योंकि वो बहुत रो रही थी। तो चलिए गाइस अब व्लॉग को करते ही हैं। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कर देना, और अगर पहली बार देखो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। लव यू गाइस, सी यू लेटर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बने रहना दोस्तों, आपकी वजह से मैं हूँ, वरना कुछ भी नहीं।